चिंटू और चुटकी दोनों भाई बहन बगीचे में खेल रहे थे। उनकी दादी गांव से 2-3 दिन पहले ही आई थी। चिंटू और चुटकी अपनी दादी को सुबह से शाम तक देखते थे कि वो क्या क्या करती हैं। एक दिन चिंटू ने उनसे पूछ ही लिया, दादी आप सारा दिन पूजा करती हो, सुबह सुबह गाय और कुत्ते को रोटी खिलाती हो और उनकी पूजा भी करती हो, पंछियों को दाना डालती हो, पेड़ पौधों को पानी देती हो और उनकी पूजा करती हो, पर यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं करता। हाँ दादी, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं करता। हमारा तो सारा दिन स्कूल में और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ही चला जाता है। पापा सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। मम्मी भी सारा दिन बिजी रहती है। मम्मी पापा के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं। दादी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, अच्छा बच्चों, मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने गांव लेकर चलूंगी, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? वह दोनों दादी के साथ गांव जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। गांव के कुछ किलोमीटर दूर पहुंचते ही चिंटू और चुटकी खिड़की के बाहर देखते हैं। अरे वाह दादी, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। हाँ दादी, चुटकी एकदम सही बोल रही है, गांव तो सच में बहुत सुंदर है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। अरे बच्चों, अभी तो बहुत कुछ देखना है तुम दोनों को। अच्छा मेरे पास ना एक सरप्राइज है तुम दोनों के लिए, कल मैं तुम दोनों को अपने साथ घुमाने ले जाऊंगी। सच में दादी? अरे वाह, बड़े मजे आएंगे, यिप्पी ये! चिंटू और चुटकी दादी के साथ घर पहुंच जाते हैं और क्योंकि वो बहुत थके हुए थे इसलिए घर जाते ही खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह दादी चिंटू और चुटकी को अपने साथ नदी के किनारे ले जाती है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह दादी, इतनी धूप है यहाँ पर, लेकिन इस पेड़ के नीचे कितना ठंडा लग रहा है। अरे अरे चिंटू, देख देख यहाँ पर कितना सुंदर है, देख कितने बड़े बड़े पेड़, ओहो उनपे कितने प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं। हाँ चुटकी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इतने रसीले आम, आहा देखना। बताओ बच्चों, क्या तुम खाओगे आम? हाँ हाँ दादी, मैं भी खाऊंगी दादी। हाँ दादी, मुझे भी खाना है। दादी मुझे खाना है। दादी ने पास में खड़े एक आदमी से आम तोड़वाए और चिंटू और चुटकी को दिए। चिंटू और चुटकी ने अंकल को थैंक यू बोला और मजे से आम खाने लगे। वाह दादी, ये मैंगो तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। और चिंटू तुम्हें कैसे लगे आम? मुझे भी बहुत अच्छे लगे दादी, पर दादी पापा भी मैंगो लाते हैं मार्केट से, वो इतने टेस्टी क्यों नहीं होते? हाँ दादी बताओ ना, पापा जो मैंगोज लाते हैं वो इतने टेस्टी क्यों नहीं होते? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बच्चों, अभी मेरे पास तुम दोनों के लिए एक और उपहार है। अरे वाह दादी, क्या है बताओ ना। दादी अपने झोले से एक रस्सी निकालती हैं और उस रस्सी को पेड़ की टहनी पर बांध देती हैं और झूला तैयार हो जाता है। चिंटू और चुटकी बहुत खुश होते हैं और झूला झूलने लगते हैं। खेलते खेलते दोनों थक जाते हैं। दादी मुझे बहुत प्यास लग रही है, पर आप तो पानी की बोतल लाई नहीं, अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? दादी नदी की ओर इशारा करके बोलती हैं, वहाँ से।
पर दादी ये पानी तो बहुत गंदा होगा, इसमें तो बहुत जर्म्स होंगे, इससे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, मुझ पर भरोसा रखो और एक बार पानी पीकर तो देखो। चिंटू गंदा सा मुंह बनाकर नदी की ओर बढ़ता है और अपने हाथ में पानी लेकर एक घूंट पानी पीता है। अरे वाह दादी, इतना मीठा और ठंडा पानी है, मैं तो और पीऊंगा। अरे चिंटू पानी अच्छा है। अरे मैं भी पीऊंगी चिंटू पानी, आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। चिंटू और चुटकी पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। अब शाम हो जाती है और दादी चिंटू और चुटकी को अपने साथ मंदिर ले जाती हैं। मंदिर में वो तीनों पूजा करते हैं और दादी अपनी सहेलियों से बातें करने लगती हैं और चिंटू चुटकी बाहर खेलने लगते हैं। रात में चिंटू और चुटकी दादी के साथ आंगन में सोते हैं और बोलते हैं, दादी देखो आज आसमान में तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। बेटा यहाँ हमेशा ऐसे ही तारे होते हैं जो झिलमिल झिलमिल जगमगाते हैं। दादी मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, यहाँ सब कितना सुंदर है। दादी यहाँ पर सब इतना अलग क्यों है, जैसे इतनी हरियाली, पेड़, इतने मीठे फल, नदी, नदी का इतना अच्छा पानी, पशु पक्षी ये तारे, बताओ ना दादी। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, ये दुनिया का नियम है। इसका क्या मतलब है दादी? मुझे भी समझ नहीं आया दादी, आप क्या कहना चाहती हो? बच्चों जो हम प्रकृति को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। धरती हमें बहुत से उपहार देती है, जैसे शुद्ध हवा, फल फूल, अनाज, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। और हम जंगल को काट काट कर बड़े बड़े शहर बना रहे हैं, जिसकी वजह से पशु पक्षियों के घर तबाह हो रहे हैं। हमारे देश में कितनी सारी नदियां हैं, पर इन नदियों में कारखानों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण जल भी प्रदूषित हो गया है और पानी पीने लायक नहीं रहा। और अब हम बिस्लरी का पानी पीना पसंद करते हैं और जल प्रदूषण के कारण मछलियां भी मर रही हैं। तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां, हर तरफ गाड़ियों का शोर, जहां इंसान चैन की सांस भी नहीं ले सकता। बच्चों हमने अपनी सुविधाओं और आराम के लिए अपनी धरती का बहुत अपमान किया है। दादी आप ठीक कह रही हो, पर अब हम क्या कर सकते हैं? बच्चों इसके लिए हम सबको मिलकर वचन लेना होगा कि हम अपनी धरती और वातावरण को बचाने के लिए सारी कोशिशें करेंगे। पर कौन सी कसम दादी? बच्चों हम उस देश में रहते हैं जहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, आसमां, जल पर्वत सब की पूजा करती है, जहाँ की संस्कृति सबसे अलग है। जो अपनी इस संस्कृति को बचाने के लिए हम एक कसम खाते हैं कि हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, वाहनों का उपयोग कम करेंगे, नदियों को प्रदूषण से बचाएंगे और नए नए वृक्ष लगाएंगे, जीव जंतु की रक्षा करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। ठीक है? हाँ दादी हम ये कसम खाते हैं, आज से ही हम सभी नियमों का पालन करेंगे। चलो चलो फिर शुरू करते हैं दादी, चलो ना हम पौधे लगाएंगे। हाँ हाँ चलेंगे भाई चलेंगे, पर बच्चों सुबह तो होने दो, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो बच्चों चिंटू और चुटकी को तो समझ में आ गया कि हमें अपनी पृथ्वी को कैसे बचाना है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो बजाओ ताली। कसम आज हम खाते हैं, पृथ्वी को बचाएंगे, अपनी अनमोल धरोहर का सम्मान हम बढ़ाएंगे। जल ही जीवन है मोल इसका हम बताएंगे, जीव जंतु से प्यार करना हम सिखाएंगे, नित्य नए पेड़ लगाकर देश में हरियाली लाएंगे, नदियों की छल छल पानी की गूंज हम सुनाएंगे, धरती की सुंदरता का नजारा हम दिखाएंगे। कसम आज हम खाते हैं, पृथ्वी को हम बचाएंगे।